तो आज की क्लास एंजियोस्पर्म से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले एंजियोस्पर्म्स को ओवर करना है, और एंजियोस्पर्म्स को ओवर करने के बाद देन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे, जो है इसमें जितने डायग्राम्स रिलेटेड हैं उसको आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मैं क्लियर कराऊंगी। लेकिन समझा तो मैं रही हूँ, बट सिर्फ समझाने से या मेरे अकेले के सिलेबस कराने से कुछ नहीं होना है। जितने डायग्राम्स मैं आपको आज की क्लास में शो करूंगी, दिखाऊंगी, समझाऊंगी, सबको आपको बनाना है नोटबुक में, ठीक है? बुक में नहीं है बहुत ज़्यादा अवेलेबल, सीधा लाइफ साइकिल जो है उसको शो किया जा रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा, ठीक है? अगर ये जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको लग रहा है, क्या पता चल रहा है इसको देख के, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि फ्लावर जैसा अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। प्लांट किंगडम चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है काफी डेज पहले, और इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अलग से फ्लावर से ये टॉपिक स्टार्ट क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज यही है कि कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, सबसे सिंपल सी बात आपको ये समझानी है किसी को भी, हाँ, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जितने फ्लावरिंग प्लांट्स आपने बचपन से लेके आज तक देखे हैं सबके सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है? फटाफट अब हम लोग फ्लावर के ऊपर आते हैं। अगर हम फ्लावर को समझना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी फ्लावर का ये जो, जिसको हिंदी में पंखुड़ियाँ कहते हैं ना हम लोग, ये जो ब्राइट कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट है, ठीक है, इनको पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पेटल्स कहते हैं। क्लियर है सबको क्या कहते हैं इनको? पेटल्स कहते हैं, ठीक है? और पेटल्स अगर ये जो पेटल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन सारे पेटल्स को अगर आप एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स के लिए अगर आपको कोई टर्म देना है, ठीक है, तो पहले मैंने आपको सिखा रखा है, बट मे बी उस टाइम काफी बच्चे नहीं होंगे। तो एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स के लिए हम लोग एक टर्म देते हैं, दैट इज कोरोला। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कोरोला कहते हैं, याद रहेगा सबको, एग्रीगेट्स ऑफ यस पेटल्स मैम। के लिए। हाँ, एक टर्म हम लोग यूज, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आसान सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। पता चलेगा मैं इधर पढ़ा रही हूँ, रात काफी हो गई है, अब आपको नींद आ रही है, फिर आप 5 मिनट के बाद मेरे से बोले मैम दोबारा बताइए क्या बोल रही थी आप, तो थोड़ा सा ना अटेंशन पे करेंगे और साथ के साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। है बहुत आसान, लेकिन टर्म्स आपको दिख ही रहा है, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में इतने सारे टर्म्स हैं और मैं बता ही रही हूँ इसका, ठीक है? तो पेटल्स के एग्रीगेशन के लिए मैंने यहाँ पे कोरोला लिख दिया है, ठीक है? जैसे सेल के एग्रीगेशन को टिश्यू बोलते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से पेटल्स के एग्रीगेशन को कोरोला बोलते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है? तो मैंने अभी आपको यहाँ पे कोरोला सिखाया। देन अब यहाँ नीचे देखिए सेपल्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है? सेपल्स के एग्रीगेट्स के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कैलिक्स कहते हैं, CALYX, कैलिक्स कहते हैं, याद रखेंगे इसको। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, तो आपको आंसर क्या करना है? एग्रीगेट्स ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, व्हाइल द एग्रीगेट्स ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स। इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, ठीक है? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो सेपल्स ग्रीन कलर का है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है? आपको पता है कि पतला सा लीफी पार्ट होता है, तो ये सेपल जो है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन ये है कि किसी भी फ्लावर के बेसिक दो तरह के पार्ट होते हैं, पहला है एसेसरी होल्स और दूसरा है वहां पे नेसेसरी होल्स। अब एसेसरीज आपको पता है किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे आपकी जो बिल्कुल मेजर जो नेसेसिटीज है, तो आप कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ये क्या है आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अब आपके हाथ में वॉच है, घड़ी है, ठीक है,
अब अगर मान लीजिए कि जो वॉच है वो आपको नहीं मिलती, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सांस लेना बंद कर देंगे या आपका बॉडी का कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं। वो क्या है, एसेसरीज है वहाँ पे, मतलब है तो ठीक है और नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सवाल ये उठता है कि इसमें नेसेसरी हॉल्स किसको बोलेंगे और एसेसरी हॉल्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने आपको पेटल्स पढ़ाया ये भी एसेसरी हॉल है, ठीक है, बट ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि आखिर किस आधार पे हमने इसको एसेसरी की कैटेगरी में डाल दिया, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल किया है। क्या बोलने का मतलब है, पेटल्स नेवर पार्टिसिपेट इन द फेनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, तो पॉलिनेशन जब कराएंगे, अट्रैक्टिव पार्ट होगा, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है तो वो अट्रैक्ट होता हुआ आएगा इसकी तरफ, अट्रैक्ट होता हुआ जब इसकी तरफ आएगा तो क्या करेगा, वो पॉलिनेशन कराएगा। पॉलिनेशन कराने का मतलब पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करके जाएगा, ठीक है। तो पेटल्स भी क्या हो गया, एसेसरी हॉर्न हो गया, सेपल भी क्या हो गया, एसेसरी हॉर्न हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक फ्लावर का, जो जिसके थ्रू आप पकड़ते हैं ना, जिसको यहाँ पे स्टेम लिखा है, ठीक है। अब देखिए जो फ्लावर का जो स्टॉक है, अब स्टेम तो ठीक है, स्टेम के साथ कनेक्टेड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉक ऑफ फ्लावर के लिए जो बिल्कुल टिपिकल टर्म जो है ना, दैट इज पेडिसेल। इसके लिए जो बिल्कुल टिपिकल जो टर्म आता है दैट इज पेडिसेल। आपको याद होगा कई बार मैंने आपको सिखाया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पेडिसेल एंड पेटियोल, याद है, कई बार मैंने सिखाया होगा आपको हाँ मैम, पेडिसेल एंड पेटियोल। तो पेडिसेल जो है वो फ्लावर का स्टॉक है, और पेटियोल किस चीज का स्टॉक होता है, वो पत्ते का होता है, लीफ का होता है ना। आसान सा एक क्या है यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंसेस बिटवीन पेडिसेल एंड पेटियोल, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपको पता होगा कि फ्लावर का ना एक बेस होता है, जैसे मान लीजिए रोज का फ्लावर है आपके पास, आप उसकी सारी पंखुड़ियाँ उखाड़ दीजिए तो एक इसमें इस फ्लावर में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बट आपको पता है कि एक ना सोलन बेसल नीचे उभरा हुआ सा पार्ट होता है, फूला हुआ, हेलो। हाँ, उसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं। यहाँ देखिए रिसेप्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। रिसेप्टिकल करके मैं यहाँ पे स्लैश करके डाल देती हूँ, इसी का नाम रिसेप्टिकल है, इसी का नाम क्या है, टोरस है, और इसी का नाम क्या है, थैलेमस है। इसी का नाम क्या है, THALAMUS। तो एप्पल में आप थैलेमस खाते हैं, एप्पल जो है ना, तो कोई आपसे पूछे कि मेंशन द एडिबल पार्ट इन एप्पल, तो एप्पल जो है वो फर्स्ट फ्रूट है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इस साल पूछा गया है, एक डायग्राम दिखा के, ये 2022 में रिसेंट ईयर का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा भी नहीं मैं बोल रही हूँ 10 साल पहले या 2-3 साल पहले पूछा गया। इस 2022 में एक एप्पल का डायग्राम बना के और उसमें डैश दे के पूछा गया था कि इसमें जो एडिबल पार्ट है उसका नाम जो है वो मार्क करना है, टिक करना है, तो थैलेमस को मार्क करना था उसमें, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, आप बोलेंगे अच्छा ना तो रिसेप्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में, ना पेडिसल कर रहा है, ना सेपल कर रहा है, ना पेटल कर रहा है। अब बात कहाँ फंसती है, किधर हम आते हैं, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे समझेंगे, अब हम लोग जो नेसेसरी हॉर्न है उसको समझेंगे, ठीक। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये बीच में जो स्टॉक ऊपर से लेके नीचे तक आपको नजर आ रहा है, आपको पता है इसको शुरू से 10th क्लास से आप बार 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 रिपीटेडली पढ़ते आ रहा है, इसको आप पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल। यहाँ जो कार्पल लिखा है ना, दैट इज पिस्टिल, इसको हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। मैं यहाँ पे पिस्टिल भी मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बुक में कहीं कोई फ्लावर का डायग्राम हो तो उसमें भी आप मार्क कर सकते हैं। 10th क्लास की बुक अगर आपने अच्छे से रखी हो, उसमें एक फ्लावर का हालांकि वो बहुत अच्छा प्रोमिनेंट नहीं था, बट फिर भी आपके पास हो तो आप मार्क भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, 2-3 पेटल बना लीजिए, फटाफट लेवल कर लीजिए, ठीक है। नए नए जो लेवल्स है वो मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो ये हो गया, अब देखिए कार्पेल हो गया, पिस्टिल हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये कार्पेल या पिस्टिल है, ठीक है। एरो में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलन ट्यूब जो है वो भी यहाँ पे इस एरो में शामिल दिख रहा है आपको, बट इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या बोलने का मतलब है, यहाँ पे कार्पेल में हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे स्टिग्मा। व्हाट इज स्टिग्मा, यहाँ पे देखिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए,
पॉलिन ग्रेन्स के लिए। हम डेफिनेशन ही है। बोलते हैं द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा, यानी पिस्टल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पॉलिन ग्रेन को अपने ऊपर लैंड कराएगा, तो जो सबसे ऊपर होगा वही कराएगा, कॉमन सेंस है, तो स्टिग्मा कराएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टाइल है यहाँ पे, और देन क्या है यहाँ पे, ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे एंटर होता हुआ, जो एंटर हो रहा है वो तो फर्टिलाइजेशन के टाइम का आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। फर्टिलाइज जब करेगा तब पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। तो अभी हम लोग को बेसिक सबको पता है, बच्चे बच्चे को, देयर आर मेजर थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर है, पता है सबको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन बेसिक यस पार्ट है, मैम, ठीक है। क्योंकि ये 10th क्लास का है तो आपकी 11th वाली बुक में इतना बेसिक नहीं लिखा हुआ है, ये भी बात मैं बोल रही हूँ आपके साथ के साथ, ठीक है। बट मैं बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए आगे लेके जाऊंगी ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए, ठीक। चलिए ये हो गया। तो ये क्या है, क्या पढ़ा हमने, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम की पूरी कहानी हमने पढ़ी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको यहाँ पे येलो येलो कलर के ये एंथर और इसका जो स्टॉक है ना उसको फिलामेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो एंथर प्लस फिलामेंट जो है इसको स्टैमेन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल जो है या पिस्टल जो है ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है सबको। इस डायग्राम में अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा टर्म है जो आपको फिर से समझना है तो पूछ लेंगे मेरे से, नहीं तो अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। सारी टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे सब अपने आप में स्पेशल है, आप ऐसा किसी को नहीं बोल सकते अच्छा क्या जरूरत है इस पे ध्यान देने की, हो सकता है इसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, गारंटी है। क्लियर है सबको। पेडिसल, मैम पेडिसल थोड़ा और बार बोल दीजिए। देखिए कुछ नहीं, एक फ्लावर जो होता है ना, पेडिसल बोलने का क्या मतलब है, फ्लावर को आप कैसे पकड़ते हैं, मतलब उसका जो डंठल होता है ना जिससे हाथ में, मान लीजिए रोज का फ्लावर आपने पकड़ा, आपके हाथ में क्या है उससे, पेडिसल, अगर यस समझ मैम, गए, स्टॉक ऑफ फ्लावर, बस वो क्या है, पेडिसल है, ठीक है। कुछ मैंने इसमें टर्मिनोलॉजी ऐड भी करी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का, ले लिया सबने, यस मैम, चलिए हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये स्टैमेन है, अब इस स्टैमेन का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं हम लोग, क्या बोलने का मतलब है, पोस्टमार्टम बोलने का मतलब है सारे फसाद की जड़ तो यही दोनों है, यही दोनों बोलने का क्या मतलब है, चाहे तो आप फीमेल वाले को पढ़िए चाहे मेल वाले को पढ़िए, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। तो पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ जो आपको दिख रहा है, पहले हम लोग इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जब देखेंगे तो अगर हमने एक एंथर को निकाल के यहाँ पे बाहर कर दिया, मतलब ये फ्लावर का डायग्राम है, यहाँ जो आपको एंथर नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सब जो आपको दिख रहा है, इसमें से मैंने क्या किया, एक एंथर को निकाल के बाहर कर दिया, आप समझ आया, ये जो है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एंथर है तो एंथर हो गया, और इसका जो स्टॉक है ना उसको फिलामेंट कहते हैं। बच्चे सोचते हैं आप बार बार 50 बार स्टॉक का नाम क्यों बता रही हूँ, आपको पता है मैं बार बार ये नाम क्यों, हर किसी के स्टॉक के बारे में क्यों बताती हूँ, देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ आपको, जो आपको एक जीरो लेवल का टॉपिक लगता है ना, इसको जब आगे जाके मैं बच्चों से पूछना स्टार्ट करती हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1, अगर किसी ने आपसे पूछा गिव अ टर्म फॉर स्टॉक ऑफ अ लीव, ठीक है, तब इसका नाम हो जाएगा पेपियोल, पीटी ऑन। ठीक है। फिर वापस अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको क्या करना है, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर का नाम बोलना है, अभी तुरंत मैंने मैम बता दिया, पेडिसल। ठीक है, वेरी गुड। दोनों पी से स्टार्ट होता है ना, तो इनमें ज्यादा डिफरेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट के एग्जाम में, ठीक। अभी अभी तुरंत मैंने आपको बताया है, क्या मैंने आपको सिखाया है, स्टॉक ऑफ एन एंथर, एन एंथर, तो इसको फिलामेंट बोलेंगे हम लोग, देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है ये, ठीक
ये फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर तुरंत जैसे ही मैं आपको ओव्यूल पढ़ाऊंगी अभी तुरंत, तो स्टॉक ऑफ एन ओव्यूल के बारे में जब बात आएगी यहाँ पे, अब इसका नाम जो है वो क्यूनिकल हो जाएगा, चाहे तो क्यूनिकल बोलिए या इसी को हम लोग क्यूनिक्यूलस कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर है सबको? तभी मैं बार बार, अभी एक साथ आप नहीं पढ़ रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्या है ये तो बच्चों अलग, लेकिन जब अलग से पूछा जाता है ना, और ऑप्शन में चारों होंगे आपके पास, आपसे लीफ का पूछा जाएगा चारों है ऑप्शन में, आपसे फ्लावर का पूछा जाएगा ऑल द फोर आर इन ऑप्शन, आपसे एंथर का पूछा जा रहा है सबके सब है ऑप्शन में, आपसे ओव्यूल का स्टॉक पूछा, लेकिन कैसे जमीन आसमान का फर्क है सब में, सबका टर्म जो है वो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, सबका जो स्टॉक है, मैं नोट लिख ही देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब तो अलग अलग टॉपिक का है ना, एक ही सेम टॉपिक को कोरिलेट तो कर नहीं रहा ये, है ना, तो मैं यहाँ पे नोट लिख देती हूँ आपके बच्चे, सब सही हो गया, नहीं तो ऐसा लग रहा बीच में पता नहीं कहाँ से चले जाएंगे, है ना। अब ठीक है, अब सही हो गया, चलिए आप भी ले लीजिए स्क्रीन शॉट, इसका हो गया लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, yes, हो गया। हाँ yes, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाती चल रही हूँ। और ये भी बात है कि कई बच्चे ऐसे भी हैं आप में से जो बिल्कुल नया और फ्रेश सीख रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि हम नया सीख रहे हैं तो हम क्यों सीखें, बाद में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, नहीं, साथ के साथ लगे हाथ में आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं इस एंथर के अंदर बनता है, ये पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, एंथर्स के अंदर बनते हैं, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये पॉलन ग्रेन जो एंथर के अंदर बनते हैं, तो बनते कैसे हैं, क्या स्टोरी है इसकी, और जहां जिस लाइन पे, जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ ना ये क्रैक होता है, हम लोगों ने तो देखा है बहुत, ये एंथर जैसे क्रैक होता है या हाथ से उसको ऐसे प्रेस करने पे ना वो खुद ही रप्चर होकर उसमें से पॉलन पाउडर जो निकल जाता है, येलोश येलोश, ठीक है। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो आप देखेंगे ना कि सही में ऐसे इसके लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज ना क्रैक करता है, वहां पे क्रैक जहाँ पे करता है तो उसको हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। डेहिसेंस मतलब वो लाइन जहां से ये फटा है, उसको हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। कोई नया वर्ड नहीं है इंग्लिश का, आप सोचिए पता नहीं डेहिसेंस क्या लिख दिया, कुछ नहीं, जहां से वो रप्चर होता है ना उस लाइन को डेहिसेंस कहते हैं। अब डेहिसेंस नहीं होगा तो ये पॉलन ग्रेन बेचारा रिलीज कैसे होगा, बन के क्या करेगा, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये क्लास 12th की बुक का है, ले लीजिए, साधारण सा सिंपल सा डायग्राम है, समझने के लिए तो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज दिस, क्या है ये। अब पहले इसको समझिए, क्या है ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको जब ध्यान से आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, दोनों बातें आएंगी सामने। अगर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ हम लाइन खींच के देखें या बाहर से इसको देखिए, तो आपको इसमें दो लोग दिख रहा है, वन और टू। लेकिन और ध्यान से अगर और जूम करके पोस्टमार्टम करके आप जब देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, वन टू थ्री एंड फोर, चार कंपार्टमेंट है इसके पास। मतलब अगर हम इस एंथर को काट दें, अगर हम इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, क्या कर दें हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कर दें, तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, पेंटागोनल दिखाता है, ट्राइगोनल दिखाता है, टेट्रागोनल दिखाता है, क्या होगा आंसर, कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा मैम, टेट्रागोनल, वेरी गुड। क्योंकि इसके ना चार कोने निकलते हैं, ये देखिए, एक दो तीन और चार, ठीक है, फोर कॉर्नर्स इसके दिखते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, रटने वाली कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है तो दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ना चार बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे इसको जूम करके एनालाइज करके बताया जा रहा है, एक्चुअल में बॉक्स कितना है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। ये जो चार बॉक्स ऐसे गोले गोले से आपको दिख रहा है ना,
एक होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम और एक से ज्यादा होगा तो हम लोग इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको प्लूरल एक साथ सबको बोलना है तब हम लोग इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, RANGIA, माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन अगर हमें एक बोलना है, एक को हमें डिनोट करना है, तब हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसके अंदर बनेगा, ये क्या हो गया, वो कंपार्टमेंट है। अगर आपको डाउट हो क्या है समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कंपार्टमेंट है। क्या है ये? वो कंपार्टमेंट है जिसकी जिसके अंदर पॉलिन ग्रीन बनते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है आज के बाद से कि मेंशन द नेम ऑफ दैट कंपार्टमेंट इन विच पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो आपको सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया याद रखना है। क्या याद रखना है? वहां पे ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख गया, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है सबको? चार कंपार्टमेंट हैं एंथर के अंदर, उनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन सुनिए, हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन एन एंथर? फोर। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये इसको ऊपर से नीचे अगर आप काटिएगा तो इसका जो लोब है ना, इसके लोब जो है वो टू है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन अ लोब ऑफ एन एंथर, तब क्या हो जाएगा? टू। मैम टू। टू। यस, वेरी गुड। ये बहुत समझने वाली बात है। ठीक है, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले, ये सब आपको ज्यादा दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं है। इसको जब काटा जाता है ना तो बाहर से इसके लेयर हैं, एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथ्रेशियम है, उसके बाद मैम लोब मतलब पेयर होता है? नहीं, लोब मतलब कंपार्टमेंट होता है। लोब मतलब जैसे रूम में, कमरे में आप रहते हैं ना, तो लोब होता है। लेकिन लोब का क्या मतलब हो गया बाहर से? देखिए मैं एक क्रिस्टल क्लियर आपको फोटो दिखाती हूँ। टू लोब्स जो है ना एंथर के, मैं सिर्फ वही आपको शो करती हूँ। देखिए बाद में मैं हटा दूंगी उसको, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, देखिए मैं आपको शो करती हूँ। टू लोब बाहर से दिखता है, ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंथर, आप किसी एंथर को ध्यान से देखिएगा ना बाहर से, अब जाके एनालाइज कीजिएगा। ऐसे तो आपने नहीं देखा होगा, बट जब आप देखिएगा तो बाहर से ना ऐसा दिखेगा। आप जब देखेंगे ना तो ऐसा आपको दो लोब वाला स्ट्रक्चर दिखता है, देखा है आपने? वन और टू। यस मैम। यस मैम। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सो समझिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बाहर से जब आप देख रहे हैं तब है लोब इसके पास एक और दो, लेकिन इस एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके अंदर भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल हो गया चार। अब आया समझ में? ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जिस लाइन के साथ है, कितना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर इसमें दिख रहा है, जो ये फिलामेंट कनेक्टेड है ना, तो इस जॉइनिंग पॉइंट का सही में नाम कनेक्टिव है, इसको बोला ही कनेक्टिव जाता है। ठीक है, तो ये जो है दो लोब है बाहर से, और दोनों लोब को जब वापस आप पूरा एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर ट्रांसवर सेक्शन करके जब आप देखेंगे तो आपको फोर माइक्रोस्पोरेंजिया क्रिस्टल क्लियर उसके अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये पहला सेल है सब में, इसमें भी स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ भी स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ भी स्पोरोजिनस टिश्यू, यहाँ भी स्पोरोजिनस टिश्यू। आप सोचेंगे है क्या ये? आपको ये टर्म किताब में नहीं दिखेगा, अगर दिखता है तब भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, सिंपल सी बात आपको बतानी है उस पर्सन को। स्पोरोजिनस टिश्यू, जैसे कैसे मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जो मेगा स्पोर मदर सेल या मेगा स्पोरोसाइट है, वो न्यूक्लियस में ही एक सेल से डिफरेंशिएट होकर बन जाता है, याद आया? yes, ठीक है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जैसे आपकी बॉडी एक सिंगल जायगोट से बनी है, तो पॉलिन ग्रेन की जो जर्नी है कभी ना कभी किसी एक सेल से स्टार्ट हुई होगी या नहीं हुई होगी, है ना। तो जिन सेल ने पॉलिन ग्रेन को बनाने की जर्नी को स्टार्ट करा है उनको हम स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। कई बार क्या होता है, इसको एक साथ इकट्ठा करके स्पोरोजिनस टिश्यू बोल दिया जाता है। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है मैम, कैन यू राइट द डेफिनेशन?
स्पोरोजिनस टिश्यू का लिख लीजिए, स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस सेल भी लिख सकते हैं आप, टिश्यू भी लिख सकते हैं, सेल और टिश्यू। द सेल विच इनिशिएट्स, अब पता है पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मैं नीचे लिख दे रही हूँ ठीक है, विच इनिशिएट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि आप मेरे से वापस ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं हम लोग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरो द सेल विच इनिशिएट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वापस आपकी क्वेरी आएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये 5-स्टार क्वेश्चन है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको याद है, अभी अभी उस कंपार्टमेंट को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला, याद आया? यस मैम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द, मतलब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, बस 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 वही और कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, बस ये हो ग्रेन। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, है ना, ये yes, हो गया आपका। हाँ तो बस ये है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा है अभी अभी जो सीख रहे हैं आप, या जिस कंपार्टमेंट आप में आपने देखा है, इस पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी, थोड़ा आप कोशिश कीजिएगा स्पीड के साथ बनाने की, लेकिन बनाने के पहले मैं एक छोटा सा डेटा दूंगी आपको, वही काफी है। ठीक है, देखिए, अच्छा मैंने आपको ना पिछली क्लास क्या 10 क्लास से मैं यही कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको, अगर आप एक सेल में मियोसिस कराएंगे तो कितने सेल बनते हैं, 2 बनते हैं 4 बनते हैं, 4। वेरी गुड। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर ये यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है, ठीक है, तो अगर 1 यहाँ पे क्या है आपके पास, एक अगर आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, स्पोरोजेनस सेल को ही आगे जाके, क्योंकि ये बनाने वाला है पोलन ग्रेन, तो हम लोग एमएमसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, एक क्वेश्चन कराऊंगी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो एक में अगर आप मियोसिस कराइएगा तो 4 पोलन ग्रेन बनेगा, इसमें कोई शक किसी को? यस मैम। इतनी बात समझ, बस आपको इतना ही याद रखना है, एक चीज मैं आपको समझाऊंगी पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा इसको। ठीक है, तो एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद मुझे आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बोलेंगे कि हमें सब क्लियर हो गया। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट कीजिए, जो बच्चा सॉल्व कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंथर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, मतलब 4 जो होता है ना, मैं चारों की बात नहीं कर रही, मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रही हूँ। इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंथर टोटल 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल को ना शॉर्ट में एमएमसी लिखते हैं, या पॉलन मदर सेल लिखते हैं, पीएमसी लिखते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि कभी देखें आपको घबराए नहीं। क्या बोला मैंने, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंथर टोटल 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स टोटल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इन दैट एंथर, बनाने की कोशिश, बनाने की, और ध्यान से देखिए क्वेश्चन,
800 होगा, और ध्यान से देखिए, वेरी मैम 1600 गुड, हाँ 1600 होगा, क्या होगा 1600 होगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए देखिए मैं समझाती हूँ, एक ये वाला इमेज हमें लेना पड़ेगा तभी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, इसको उठाते हैं हम लोग, ठीक है बना बनाया है मतलब इमेज अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन जो मैम है टू टाइम्स डेटा बदलने का, मियोसिस होने वाला है मैम, फिर से बोलिए। दो बार मियोसिस होने वाला है इसमें। देखिए ना, दो बार मियोसिस कराना ही नहीं आपको, तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। देखिए तुरंत ये इमेज है ना, इसी से मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए अब क्वेश्चन जो है और इस डायग्राम को एक साथ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, मैं वापस रिपीट कर रही, मैंने क्वेश्चन बोला है एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अच्छा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर 100 है, तो इसी के अंदर पॉलिन ग्रेन कितना बनेगा मैम? 400 होगा, ठीक है वेरी गुड। अच्छा, एक के अंदर 400 बन रहा है तो इसके पास टोटल कंपार्टमेंट कितने हैं? 4 × 400 1600 4 × 400, अब आया समझ में 1600 सबको? बस छोटा सा मैम, आप डेटा, पूरे के पूरा एंथर का बात कर रहे थे मैम, हाँ देखिए ना यहाँ लिखा मैम पॉलन ग्रेन्स इन मैंने दैट एक एंथर, का बोला था इसलिए। हाँ, वही। तब अब क्या होता है, अगर मैं इस क्वेश्चन में लिख दूँ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन अ लोब ऑफ एन एंथर, तब क्या हो जाएगा आंसर? 800 ठीक है वेरी गुड, समझ गया ना, सारे बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो चलिए फटाफट, बस ज्यादा नहीं, एक बस रिप्रेजेंटेटिव तौर पे मैं आंसर लिख देती हूँ। वन, यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में कर लीजिए, 1 mmC इज इक्वल टू 4 पॉलिन ग्रेन, शॉर्टकट में ऐसे समझाने के लिए लिख रही हूँ, जो बच्चा नहीं समझा वो समझ लेगा, है ना। एक जो है वो 4 पॉलिन ग्रेन बनाएगा, इतना तो क्लियर है सबको। जब एक 4 बनाएगा तो आपको डेटा में खुद ही क्या दिया जा रहा है, 100 mmC दिया जा रहा है। सो 100 mmC ये कितना बनाएगा, 400 400 पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन्स। हाँ मैंने इंटू नहीं किया है, ठीक है पॉलिन ग्रेन, ठीक है। अब चलिए ये हो गया यहाँ पे सही। अब इसके बाद क्या है, देन अब तो निकल ही गया ना, डेटा ही निकल गया यहाँ से, तो इसको टोटल पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पूरे एंथर में पूछा जा रहा है, इट बिकम्स यहाँ पे हो जाएगा 400 × 4, है ना। ये अब एक बार मैंने सिखा दिया ना आपको, ये क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। अब तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई अगर आपसे पूछे आप जुबान पे बना सकते हैं, तो आसान सा डेटा होता है और एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, कितना इजी है ना। ये हो गया बस 1600 पॉलिन ग्रेन, बस थोड़ी अगर अच्छा था क्वेश्चन ये, है ना। ऐसे ना, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूं ना, बच्चे जुबान पे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये डायग्राम है यहाँ आपके सामने, फटाफट आप अभी बनाएंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि ये जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, तुरंत बताइएगा, ठीक है। एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 50 है माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर, तो एक लोब में टोटल पॉलिन ग्रेन्स कितने बनेंगे? फिर से देखिए, हाँ ठीक है 400। देखिए मैंने क्या बोला, एक लोब में 50 है, तो 50 है 50 है, तो 50 × 4 इज इक्वल टू 200, ठीक है। जब एक में 200, मैं तो एक लोब में ही इधर आधा ही पूछ रही हूँ ना, आधा बोलने का मतलब है कि 200 × 2 कीजिए, चाहे 200 + 200 कीजिए, आना तो 400 ही है। अब समझ आया सबको? इससे क्या हुआ, एक क्वेश्चन करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, मैं आपसे उल्टा पूछ रही हूँ कि अगर आपको मैंने ये एक क्वेश्चन कराया, इससे आपको क्या फायदा हुआ, बताइए तो मुझे, सोच के बताइए, एक क्वेश्चन से किस बच्चे को क्या बेनिफिट हुआ?
मैम लोब एंथर और हर माइक्रोस्पोरेंजिया का हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बिल्कुल, वो मैंने बोला था आपको पहले कि ये एकदम शीशे की तरह एक क्वेश्चन जो है ना वो साफ कर देता है हमेशा के लिए, आप जिंदगी भर के लिए आप कंफ्यूजन भूल जाइए कि आपको कभी कंफ्यूजन मैम हो किसी के मियोसिस लिए भी दो क्लियर हो। हो गया कि हाँ वन से मियोसिस फोर भी, हो गया। हाँ मियोसिस भी क्लियर हो गया, कैसे डिवाइड हो के कितना पॉलीग्रेन बनता है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक क्वेश्चन से क्लियर। तो बार 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 50 बार रिपीट करने से क्या अच्छा है, मैं ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराती हूँ बच्चों को, सारी स्टोरी जो है वो खुद ही ओवर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने सीखा सब कुछ ऑल अबाउट, इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना ये एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट बेचारा स्टॉक है तो बैठा हुआ और क्या करेगा, स्टॉक है ये नहीं हो तो हवा में तो उड़ेगा नहीं, तो ऑब्वियस है कि फिलामेंट होगा इसका। इस एंथर के बारे में आपके पास जितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना इतना अच्छा कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं होगा। आपकी क्लास में पढ़ने वाला कोई भी कहीं का भी बच्चा होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ के खुद ही टेस्ट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हमने एंथर जो है उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि अब हमें पोस्टमार्टम करना किसका है, कौन बच गया यहाँ पे, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल वाला जो पार्ट है वो तो हमने क्लियर कर लिया। मेल वाले पार्ट को क्लियर करने के बाद जब आप एक पिस्टल को देखते हैं, किसको देखते हैं, पिस्टल को देखते हैं, तो पिस्टल के बारे में खासियत क्या है कि हर किसी को पता है कि जो पिस्टल है इसके बेसिक तीन ही पार्ट हैं, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक स्टाइल ओपनिंग है। सीखा बस अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि वो डायग्राम जो था वो काफी ज्यादा खिचड़ी की तरह था, तो ये देखिए बस इतना ही है, इसके सिवा किसी की स्टोरी आपको याद नहीं रखनी है। अब हमें इस पे फोकस करना है, हम लोग इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही वो पिस्टिल है। क्लियर है सबको, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी और कुछ नहीं है। स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन लैंड करता है, स्टाइल जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल बोला जाता है, सही ना, सबसे लंबा पार्ट है, इसी के अंदर पॉलिन ट्यूब बनता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, तो जब तक आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर ना सीखिए तब तक मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकती। ठीक है, तो ओव्यूल के बारे में जब हम लोग सीखते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और दूसरी बात कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो बच्चों को और भी क्लियर होती हैं। ओव्यूल का हम लोग पीएससी देखते हैं, जैसा डायग्राम चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा है, जो मैंने आपको 10th में बताया था, है ना, है बहुत अच्छे अच्छे भी इमेजेस अवेलेबल हैं, बट अभी मैं टाइम बिल्कुल सेव करना चाह रही हूँ, मिलेगा जरूर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ लेबलिंग एक्स्ट्रा होंगी जो मैं ऐड कर दूंगी इसमें, है ना, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। चलिए, जो नहीं होगा या ऐसा लगेगा कि एडिशनल है तो वो तो मैं साथ के साथ, कैसे फ्लावर वाले मैंने ऐड करा था, सफिशियंट मुझे लग तो नहीं रहा, बट हाँ आप सीखते भी जाएंगे अगर साथ के साथ में मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए, इससे बहुत अच्छा काम चल जाएगा मेरा। देखिए ये एनाट्रोपस क्यों लिखा है, इसके ऊपर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास में मैं आपको अलग अलग तरह के ओव्यूल के बारे में बताऊंगी, मतलब किसी का माउथ जो ये माइक्रोपाइल वाला जो माउथ है ना वो परपेंडिकुलर होगा, किसी का ऊपर होगा, किसी का इधर होगा, उसके बेसिस पे नाम होता है इसका। ऐसा कभी आपको बना हुआ दिखे तो समझ जाइए एनाट्रोपस इसलिए लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा ये ओव्यूल आया कहाँ से, सो समझ आया सबको पहले, वो जो आपने नीचे यस देखा ना मैम। ओवरी के अंदर बैठा हुआ, ये जो पूरा आपने सोलन बेसल पार्ट जो देखा ना ओवरी का, ओवरी के अंदर है ये बैठा हुआ। ठीक है, तो अभी अभी तुरंत मैंने आपको एक लिखा था नोट वाले पॉइंट में कि ओव्यूल का जो स्टॉक होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं, यानी इसी के थ्रू ये ओवरी से कनेक्टेड है। क्लियर है सबको, समझ आई मेरी बात, चलिए ठीक है। अब इसके बाद ना अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट या पोर्शन जो है, मतलब अगर आप फ्यूनिकल को तोड़ दीजिए, एक इमेजिनरी आपके दिमाग की सोच है, सोच बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ऐसा ना क्रॉस सेक्शन आपने किया, या इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अगर आपने इसका हॉरिजॉन्टल लाइन देखा, तो आखिर इस ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग उसको हाइलम कहते हैं। नहीं समझ आया, एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मटर छीला है आपने कभी घर में,
बीज तो चीले होंगे, ठीक है। तो जब आप उसके जो दाने होते हैं उसको जब आप निकालते हैं उसमें से, निकालते हैं तो जहां जिस पॉइंट पे वो कनेक्टेड होता है तो वहां पे टूटने का निशान होता है ना। हाँ मैम, हाँ समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं, या पी का भी इमेज निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ मैम, तो फाइलम ना समझाने में मेरी मेरी हालत खराब हो जाती है बच्चों को। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, फाइलम जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, तोड़ेंगे तभी तो दिखेगा ना। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये हम लोग पी का एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है, डायग्राम नहीं फोटो ही है ये, तो डायग्राम की क्या बात है ना। देखिए समझाने के लिए बता रही हूँ, मेरा यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए कि इस पी को आपने, इस मटर के दाने को आपने तोड़ा और यहाँ पे आपको निशान दिखता है जहां से जुड़ा होता है ये, समझे तो। अच्छा अगर इसका जो स्टॉक है जो जुड़ा हुआ है वो तो क्यूनिकल है, यस और नो, जिसके थ्रू ये इस मटर से जुड़ा हुआ था वो तो क्यूनिकल है, ठीक है। तो फ्यूनिकल को जब आप तोड़ दीजिएगा तो एक निशान दिखेगा ना वहां पे जो दिखाएगा कि आई एम द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ व्यूल एंड फ्यूनिकल, यस और नो, यस मैम, यस मैम। आप समझे, वो इमेजिनरी लाइन है हाइलम, इस वजह से मुझे समझाने में दिक्कत। अब हाइलम दिखता तो है नहीं, बच्चे बार 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 रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन पूछते हैं मैम हाइलम समझ नहीं आया, हाइलम समझ, भाई समझ कैसे आएगा, इसको सोचो समझो पहले कि हाइलम है क्या। तो आप जब उसको वहां से तोड़ते हैं डिटैच करते हैं तो वो जो स्कैर आपको नजर आता है ना जैसे टूटता है जहाँ पे, वो हाइलम हो गया, ठीक है, दैट इज हाइलम। आपसे सीधा साधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ ओव्यूल रिप्रेजेंट्स द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, चुपचाप हाइलम लिखा जाता है, हाइलम। हाँ अब मैं बार 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 आपको ना रिपीट कर रही थी पिछली क्लास में माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जो है ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू एंटर होगा पॉलन ट्यूब फर्टिलाइज करने के लिए, क्लियर है सबको। एम फॉर माइक्रोपाइल, एम फॉर माउथ लाइक ओपनिंग, ठीक है। ये माइक्रोपाइल के रास्ते ही आप दुनिया के किसी भी सीड को देखेंगे, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, तो आप दुनिया के किसी भी सीड को देखेंगे तो आपको उसमें एक होल दिखता है। आज घर में जाके देखिएगा ध्यान से, कोई सा भी बीज हो अगर आपने इतने ध्यान से नहीं देखा हो तो देखिएगा, कभी भी नहीं दिखे तो उसको सोप कर दीजिए पानी के अंदर, पूरा फूलने दीजिए, चने में देखिए बहुत प्रोमिनेंट बहुत अच्छा होल दिखता है। वो होल क्या है, वो बेचारा ये दिखाता है कि आई वॉज माइक्रोपाइल इन माई पास्ट, ये पास्ट में क्या था वही माइक्रोपाइल है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, क्लियर है सबको, ठीक है। yes, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये मास ऑफ सेल जो है ना जिसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक डूबा हुआ है, एम्ब्रियो सैक के अंदर की और थोड़ी बाकी है अभी, बट मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आए, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये ग्रीनिश पार्ट है ना बाहर से, बाहर मतलब जैसे हम कहावत नहीं कहते डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, तो क्या निकला यहाँ पे कंक्लूजन, सबसे बाहर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, बाकी सब तो तामझाम हम एडिशनल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एसेसरी चीजें अब है तो फेंक थोड़ी देंगे, यहाँ से पढ़ना तो पड़ेगा हमें, है ना। तो उसके अंदर यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर की पूरी स्टोरी हमें क्लियर करनी है, आसान सा दो और है, दो तीन और है, उसको कर लीजिए। सबसे बाहरी जो कोटिंग है यहाँ पे उसको आउटर इंटेगमेंट कहते हैं और अंदर वाले को इनर इंटेगमेंट, इंटेगमेंट मतलब ही कवरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा आपको माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऊपर चले जाइए तो एक हेड जैसा ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे नेकेड हेड जैसा जो एंड होता है, ठीक है, उसको चाहे तो आप चेलेजा बोल सकते हैं, चेलेजल पोल बोल सकते हैं, चेलेजल एंड बोल सकते हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। यस मैम, चाहे चेलेजा बोलिए या चेलेजल पोल बोलिए या चेलेजल एंड बोलिए, ठीक है, एक ही बात है, चेलेजा बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को काटना नहीं है। यहाँ पे जो है चेलेजल पोल जो है इसकी बजाय आप इसको चेलेजा भी बोल सकते हैं। मैम इंटेग्रमेंट मतलब कवरिंग, 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 बस कभी भी इंटेग्रमेंट आए मतलब समझ जाइए कवरिंग है। बहुत जगह पे बायो में अकेला ये नहीं है जहाँ पे आपको सुनने को, कई जगह पे आप ना इंटेग्रमेंट सुनेंगे, आप समझ जाइए अच्छा कवरिंग की बात करी जा रही है। आप इसको सबसे आसान सी बात चेलेजा भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है। और
चलेजल पोल लिखा ना यहाँ पे, आप इसको हम चलेजल चलेजल एंड एंड भी लिख सकते, हाँ चलेजल एंड भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। तो चलेजा भी बोल सकते हैं, चलेजल एंड भी बोल सकते हैं, और चलेजल पोल भी बोल सकते हैं, है ना। ये सीख लिया आपने। पहले मुझे एम्ब्रियो सैक के अंदर के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के पहले आप मुझे ये बताइए कि पहले आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक यस एक मैम। लेवल अभी तक क्रिस्टल हाँ क्लियर है सबको। कुछ क्वेश्चन का यस आंसर मैम। दीजिए, ठीक है। किस माउथ लाइक ओपनिंग के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है? माइक्रोफाइल वेरी गुड। किस माइक्रोफाइल मास ऑफ टिश्यू के अंदर एम्ब्रियो सैक डूबा हुआ इम्बेडेड है? न्यूसीलस न्यूसेल्स वेरी गुड वेरी गुड। स्टॉक ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल वेरी गुड। यूनिकल द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल हाइलम वेरी गुड। हाइलम आउटर कोटिंग को क्या कहते हैं? आउटर इंटेगमेंट आउटर वेरी गुड। इनर कोटिंग को क्या कहते हैं? इनर इनर इंटेगमेंट, इंटेगमेंट ठीक है वेरी गुड। और माइक्रोपाइल के एंड में जो पोल होता है उसको क्या कहते हैं? चलो चलेगा चल। ठीक है वेरी गुड। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सबको, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर की स्टोरी को सीखना है आपको। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर की स्टोरी को जब हम लोग सीखते हैं तो उसमें और क्रिस्टल क्लियर एक बात जो है वो निकल के सामने आती है, जिसके बेसिस पे मैं आपको एनसीईआरटी की, आपके एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो क्लियर करूंगी, ठीक है। जब किसके बारे में बात आती है यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक जो है, जब इसके स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। दूसरा पेज हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसकी। चलिए, यानी एम्ब्रियो सैक अभी जो ग्रीनिश पार्ट आपने देखा है, सिर्फ हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये भी 12th क्लास की एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, कुछ बाहर से नहीं लाया गया है यहाँ पे, ये आप ही के 12th क्लास की एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। कुछ नया नहीं है, मतलब समझे क्या बोला मैंने? मतलब ये बोलने का है कि एम्ब्रियो सैक को निकाल के बाहर रख दिया, आप समझे, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको निकाल के बाहर करके हम लोग पढ़ रहे हैं, अब समझे। इतना क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। बस हाँ, एम्ब्रियो सैक को बाहर करके पढ़ रहा है, इतना छोटा सा मैं क्या पता चलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए और इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से। रीजन क्या है? अपर साइड में जो एंटीपोडल्स का नंबर है, वो एंटीपोडल्स का नंबर यहाँ पे 3 है। कितना है? मैम 3। यस। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ, गारंटी है 2000% एंटीपोडल्स का नंबर 3 है तो होगा, बदलेगा कैसे? बदल ही नहीं सकते। क्रिस्टल क्लियर है सबको? एंटीपोडल्स का नंबर यहाँ पे कितना है? 3 है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे बीच में आपको साफ साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, पोलर टू न्यूक्लियाई का नंबर यहाँ पे 2 है। कितना है? 2 है, नहीं बदल सकते, 2 है तो होगा, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पोल। हाँ अच्छा, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। न्यूक्लियस का यस जो मैम। प्लूरल है उसी को तो न्यूक्लियाई कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप इसको एक सेल की तरह देखते हैं तो ये वन सेंट्रल सेल है, चाहे तो मैं यहाँ पे स्लैश डाल के लिख देती हूँ, हो सकता है कल को जाके आपको कंफ्यूजन हो जाए, मैं अभी आपको सारी चीजें क्लियर करती हूँ, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उसमें एक और स्टोरी हिडन है यहाँ पे, वो क्या है? अगर आपको, क्योंकि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड बोलेंगे तो वहां आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम आप एक बार 8 न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं और एक बार 7 सेल्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बजाय मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, और वन सेंट्रल सेल, सेंट्रल बीच में है ना इसलिए सेंट्रल बोलते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, बस पोजिशनिंग के बेसिस पे। पोलर न्यूक्लियाई का नंबर 2 है, या आप इसको एक सेंट्रल सेल मानिए, यहाँ पे देखिए सेंट्रल सेल बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एग के बारे में हम लोग बात करते हैं। एज यूजुअल एग का नंबर हमेशा क्या होना है? 1 होना है। एग कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक यहाँ पे प्रेजेंट है
तो 10 एग इसने कैरी किया हुआ, जब होगा तो वो कंडीशन दूसरी होगी, ठीक है। सिनर्जिट्स का नंबर जो है यहाँ पे वो दो होता है, कितना होता है मैम? टू, टू होता है, ठीक है। अब इतनी मैथ्स हर बच्चे को आती है, मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे थ्री, अगर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, थ्री प्लस टू, अभी सेंट्रल सेल भूल जाइए, प्लस वन प्लस टू कीजिएगा तो कितना होता है? एट। वेरी गुड। अगर आप थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस टू करते हैं तो एट होता है। अब इसके पहले कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फिलिप फॉर्म ऑपरेटर्स, नीचे एक फिलिप फॉर्म ऑपरेटर्स लिखा है, तो जैसे होता है ना कई बार आप मैरिजेस वगैरह में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो बाहर ना मान लीजिए कि दो चार मैरिज हॉल एक साथ हैं, तो बाहर ना आप ढूंढते हैं वहां पे कि कहाँ लिखा हुआ है, मतलब किस किस की मैरिज है, इवेंट्स ऐसे करके, या कोई गार्ड वगैरह खड़ा कर देते हैं जो बताने का काम करता है कि हाँ भाई ठीक ठीक आप सही आए हैं, यही आना है आपको, होता है ना, कोई गाइड करता है उस तरीके से, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इस केस में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो एंट्री को, मतलब जो पॉलन ट्यूब आने वाला है आगे से जाके, उसकी एंट्री को गाइड करने का काम करेगा, क्या करेगा, उसको गाइड करने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको मुझे सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन शो करनी है और कोई काम नहीं है, मुझे देखिए आपके बुक का है तो बस मुझे जूम करके दिखाना है इसको, ताकि आपको ये बात समझ आए कि मैं इतनी देर से मेहनत कर क्यों रही हूँ, रीजन क्या है, ठीक है। चलिए ये आप ही की बुक है एनसीईआरटी की, देखिए दिख रहा है सबको साफ साफ, काफी जूम कर दिया मैंने। यस मैम। आपको याद होगा पिछली क्लास में ना मैंने मेगा स्पोरोजेनेसिस थोड़ा सा डिस्कस किया था, वापस बताना पड़ेगा मुझे, रीजन क्या है, देखिए एक चीज समझिए ध्यान से, एक छोटी सी स्टोरी और समझिए। आखिर जो ये थ्री एंटीपोडल्स, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन एग और टू सिनर्जिक्स, ये जो बना है कभी तो इसकी शुरुआत एक सेल से हुई होगी, यस और नो बोलिए। जब आपकी इतनी बड़ी बॉडी एक जायगोट से बन गई तो ये बेचारा भी तो कभी एक सेल से बना होगा, है या नहीं, पूछ के देखिए, आप बोलिएगा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो अब जो है ये बिल्कुल फिट बैठेगा इसके ऊपर, वापस रिपीट कर रही हूँ, होता ये है कि सबसे शुरुआत में एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है, सबका समझा हुआ है तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कोई नई बात नहीं है। फिर मियोसिस वन होगा, अभी आपने वो पॉलिन ग्रेन वाला जो क्वेश्चन किया उससे भी आपको क्रिस्टल क्लियर है, यानी इसको कुल मिला के मियोसिस वन और मियोसिस टू करके बनाना क्या है, इसको टोटल फोर बनाना है विदाउट एनी डाउट। फोर के बाद तीन की स्टोरी ओवर हो जाती है, बेचारे शहीद हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये तीनों के तीनों जो है वो डीजनरेट हो गए, एक बचा यहाँ पे, एक में अब सिनेरियो चेंज कैसे होता है, यहाँ पे चेंज ऐसे होता है मियोसिस बस हुआ खत्म, कहानी स्टोरी ओवर इसकी, उसके बाद माइटोसिस वन होगा, फिर माइटोसिस टू होगा, फिर माइटोसिस थ्री होगा, और तब देखिए मतलब यहाँ मैंने आगे बोल दिया थोड़ा सा आपको, यहीं पे ये माइटोसिस वन होगा, एक में माइटोसिस वन कराइएगा तो एक का दो, दो का चार, चार का आठ, इतना तो सबको आता है, ठीक है। फिर ये चार ऊपर और चार नीचे जो बनाने बेचारा अरेंज होता है, फिर कहता है भाई तुम एक ऊपर से नीचे जाएगा बीच में, दूसरा नीचे से बीच में जाएगा, तो बीच वाला दो पोलर न्यूक्लियाई बन गया। आप देखिए बिल्कुल मैच हो जाएगा, अब आपको समझ आएगा, पिछली क्लास में मैंने इतना डिटेल नहीं किया था क्योंकि बहुत ज्यादा पजल हो जाते हैं। थ्री एंटीपोडल्स, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन एग एंड टू सिनर्जिक्स, आप क्रिस्टल क्लियर है सबको, बोलिए। यस मैम। तो ये कहानी है इस बात की कि आखिर ये बना कैसे। आप देखिए जिसको कहते हैं ना, क्या बोला जा सकता है इसलिए, सिक्सर बोला जा सकता है ना, जिसको वन बॉल पे सिक्स मारना, वही काम यहाँ पे एनसीईआरटी ने किया है। सुपर कॉम्प्रेसर मतलब इसके लिए मैं एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की दिखा रही हूँ, ठीक है, देखिए जिसको देख के बच्चों का दिमाग खराब होता है। देखिए कह रहा है जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगा स्पोर मदर सेल, कोई दिक्कत, दैट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, देखा आपने। अब देखिए थ्री ऑफ देम डीजनरेट एंड वन डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, कितना शॉर्टकट मारा आप ही बताइए। यस मैम।
समझ गया, जिसको कहते हैं ना वन बॉल पे सिक्स। माइटोसिस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं yes, लिखा मैम, कुछ भी नहीं। बच्चे अपना सर खुजलाते रहते हैं कि भाई ये बना कैसे एट न्यूक्लियस, समझ गए आप? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दिया हाउ इट बिकम्स एट न्यूक्लियस, है ना। माइटोसिस को खा गया बीच में, हालांकि ऐसे नहीं देना चाहिए, चलो ठीक है, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में दिया, लेकिन इतना कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में कि बच्चा अगर एनसीईआरटी के भरोसे बैठे तो बच्चा ही शहीद हो जाए बेचारा, है ना, उसको समझ ही नहीं आए कि हुआ कैसे। अब देखिए यहाँ पे फिर वापस आगे, एम्ब्रियो सैक हैज अ थ्री सेल्ड एग एपरेटस। आपको पता है एग एपरेटस को थ्री सेल्ड क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि वन एग में दो सिनर्जी जोड़िएगा तो तीन होता है, और एग और सिनर्जी दोनों साथ साथ होते हैं, तो इसको थ्री सेल्ड स्टेज बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नीट का क्वेश्चन है पूछा गया हुआ, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एग एपरेटस। बच्चा सोचता है वाह एग में तो एक ही सेल होगा, एक पे टिक करके आता है, एग एपरेटस बोल रहा है ये, एग के साथ सिनर्जी को जब आप जोड़िएगा तो एग एपरेटस बोलते हैं इसको, क्लियर है सबको? ठीक है, ऊपर में आपने देखा थ्री एंटीपोडल्स हैं, बीच में आपने देखा टू पोलर न्यूक्लियाई है, बीच में क्या है आपके पास टू पोलर न्यूक्लियाई जो है वहां आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको समझा तो दिया था, लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब आप इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आपको सावधानी क्या बरतनी है। ठीक है, आप ही के एनसीईआरटी की लाइन सही। उसके बाद जब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन तुरंत क्लिक करके आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, तो इससे पहले कि आपके स्टेटमेंट को हम लोग देखें, डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे क्विकली करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़्यादा सीखना है इसमें, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, है या नहीं? मैं पिछली क्लास से या उसकी भी पिछली क्लास से बस ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ समझ आए कि आप कितना अच्छा समझ सकते हैं। जितना अच्छा आप समझेंगे, नोट्स मैं भेज दूंगी आपको, उसको वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, अच्छा भी नहीं सबसे अच्छा होना चाहिए, बाकी यही एनसीईआरटी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया पढ़ रहा है, नहीं तो आपको अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक शॉर्टकट में ना हम लोग किसी भी एक साधारण सा डायग्राम लेते हैं, उसकी मदद से हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ भी बता सकती हूँ मैं आपको, एक डायग्राम जो भी था ना ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे अपने आप पूरा ले रहा है। अच्छा मैं इस डायग्राम में भी बता सकती हूँ, देखिए ये है, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर है, आपका टेंथ में भी समझा हुआ है, लेकिन जिन बच्चों के लिए नया है मैं बार बार वार्निंग दे रही हूँ, बहुत साधारण तरीके से समझा रही हूँ, समझिए ध्यान से। ठीक है, कैसे समझना है इसको, तो इसको समझाने के लिए एक पिस्टल को उठा के बस मैं यहाँ पे रख देती हूँ, कोई सा भी पिस्टल हो, सपोज कीजिए ये वाला इमेज हमने उठाया है। ठीक है, कुछ नहीं बस आपको समझना है कि कैसे कॉलम किस फॉर्म में, चलिए स्टोरी सुनिए कहानी सुनते जाइए बस। ये दिख रहा है सबको, है ना? यस मैम। स्टोरी ये है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट यानी पॉलन ग्रेन आपने तैयार कर लिया, कैसे बना सब सीखा आपने। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एग को तैयार करके यहाँ पे रख लिया। ठीक है, जब तैयारी हो गई तो ऑब्वियस है फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन है। क्या है ये? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा यहाँ पे? दो बार फर्टिलाइजेशन। इस डायग्राम को सिर्फ इतना समझने में आपको हेल्प लेना है, सबसे पहले एक पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होती है स्टिग्मा पे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं? जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद इसका जो एक सेल है वो अंदर एंटर होगा। बच्चों की फिर ये क्वेरी आती है कि जब एक सेल अंदर गया तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे हमेशा मैं बच्चों को एक बात सिखाती हूँ, ये बात हिडन होती है,
और कई जगह पे इसको क्रिस्टल क्लियर लिखा भी नहीं होता, जैसे कैसे भी आपने एग्जांपल देखा माइटोसिस में लिखा हुआ था। आप अपने आप वेल नोन तरीके से एक बात याद रखिए, मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूंगी आप तुरंत समझ जाएंगे, उसी के लिए एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। क्या मेरे बोलने का मतलब है कि आफ्टर एंट्री ऑफ, मतलब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, पोलन ग्रेन डिवाइड्स मिटोटिकली। हाँ वेरी गुड, आफ्टर एंट्री ऑफ, आफ्टर एंट्री ऑफ, और उसमें से पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में आपको 12th में कराऊंगी। उसमें दो सेल होते हैं वेजिटेटिव और जेनरेटिव, तो वेजिटेटिव पता ही है, सुन के ही लग रहा है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे जेनरेटिव सेल लिख देती हूँ। आफ्टर एंट्री ऑफ वन जेनरेटिव सेल, अब ऐसा ना हो कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो मैं यहाँ पे ऑफ पोलन ग्रेन भी लिख देती हूँ। तो आफ्टर एंट्री ऑफ वन जेनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन विद इन द स्पाइल, अब क्या होगा यहाँ पे, द जेनरेटिव सेल, कहानी में ट्विस्ट क्या है, द जेनरेटिव सेल, अब बेचारा पहले से ही एन है, हैप्लॉइड है, क्या मियोसिस कराइएगा इसमें, है ना, एक्सेप्शनल डिप्लॉइड टू एन होगा। हाँ, द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स, द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोटिकली में कंफ्यूजन तो नहीं किसी को समझने में, कहीं ऐसा ना मियोसिस समझ ले बच्चा, मैं यहाँ पे माइटोसिस लिख ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि माइटोसिस के थ्रू द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। अब क्रिस्टल क्लियर है सबको, अब कंफ्यूज तो नहीं करेंगे कभी। yes, आपको ये नहीं सोचना है कि जादू कैसे हो गया, ये मैजिक कैसे हो गया, एक अंदर गया था तो दो कैसे बन गया, तो ये स्टोरी इसके पीछे की हिडन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है। यही बात मैं आपको बार बार यहाँ पे रिपीट करके बोल रही हूँ कि जब यहाँ पे एक एंटर हुआ तो दो मेल गैमेट गया अंदर, मतलब डिवाइड होके बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगी, तो फर्टिलाइजेशन जब कराना है ना, ये सब जो एक्स वाई जेड है तामझाम जो लिखा हुआ, इसको ध्यान मत दीजिए। चलिए, मुझे बस ये दिखाना था कि हाँ यहाँ पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, उसको देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अभी क्या होगा इसमें, जैसे ही मेल गैमेट की एंट्री होगी तो फिलीफॉर्म एपरेटस गार्ड की तरह वहां पे खड़ा है, एंट्री बोलेगा पोलन ट्यूब को आओ आओ इधर आओ, इधर आना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, सीधा ही जायगोट लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये जो एग है ना, बच्चों को मैं कहती हूँ कि अब याद रखो कि वन एग प्लस वन मेल गैमेट, वन मेल जायगोट, यस, इज इक्वल टू जायगोट। बताइए इससे साधारण तरीके से क्या समझाऊंगा आपको, एक एग जब एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ है तो जायगोट बनाया है इसने, क्योंकि दोनों की प्लॉयडी एन एन है, तो जायगोट दुनिया में हर जगह कहीं भी आज तक बना है डिप्लॉयड होगा। क्रिस्टल क्लियर है सबको, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिनोमेना को हम बोलेंगे क्या। तो ये जो फिनोमेना आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनगैमी, सिनगैमी तो फिनोमेना है, इसका नाम सिनगैमी है। तो पहला फ्यूजन हो गया यहाँ पे, डबल फर्टिलाइजेशन में पहला वाला फ्यूजन तो सीख लिया हमने, दैट इज सिनगैमी, तो ये हो गया आपका सिनगैमी, ठीक है, स्टोरी ओवर, बस सबको समझ आया। एक एग के साथ एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया और इसने क्या बनाया, जायगोट बनाया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सिनगैमी हो गया, ठीक। अब वापस हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका समझते हैं। और ये जो मैंने लिख रखा है, पोलर न्यूक्लियाई दो है, ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे टू है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे समझिए, पोलर न्यूक्लियाई का नंबर है टू, इसी में प्लस कर दीजिए। अब एक मेल गैमेट बचा तो कहाँ जाएगा बेचारा, यूज करेगा प्लस वन मेल गैमेट, प्लस वन मेल गैमेट, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सही करती हूँ।
हाँ, तो ये ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बनाता है, ये एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, ये एंडोस्पर्म बनाने का काम करेगा। टू था तुम फिर से लिखती, तो ज्यादा बड़ा हो गया था, फिर वापस उसी जा रहे हो। कभी कभी तो ना ये अपने मन से काम करता है। मैम ये 2+1 वाला पार्ट एक बार समझ। कौन सा, फिर से बोलिए मैम, ये 2+1 वाला पार्ट अभी मतलब लिखी, अभी मैं लिखी रही हूँ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा। पोलर न्यूक्लियाई का नंबर कितना है, 2 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है। और मेल गैमेट कितना बचा हुआ है, 1 1 मैंने लिख दिया मेल गैमेट, कोई डाउट नहीं। अब जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ 1 मेल गैमेट फ्यूज करता है तो उस स्ट्रक्चर का नाम एंडोस्पर्म है। क्या नाम है उसका, एंडोस्पर्म है। इसमें कोई शक तो नहीं किसी को। जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ 1 मेल गैमेट फ्यूज करता है तो स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पे एंडोस्पर्म, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉयडी होती है 2n। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉयडी क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। M3N, तो ट्रिपल फ्यूजन 2n है, तो इसके साथ जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे n, किसको प्लस करेंगे, n को प्लस करेंगे, तो इतनी मैथ जो है हर बच्चे को आती है कि 2n प्लस n कितना होता है, M3N। यस, तो ये जो एंडोस्पर्म है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बना, क्या बना, एंडोस्पर्म जो यहाँ पे बना, नाउ द प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म बिकम्स 3n। ये 3n बन गया यहाँ पे, क्या बन गया, 3n बन गया। और इस घटना को, इस फेनोमेना को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ 2 प्रोसेसेस, नंबर 1 इज सिंगैमी एंड नंबर 2 इज ट्रिपल फ्यूजन। नंबर 1 इज सिंगैमी एंड नंबर 2 इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको, जो जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे थे, अब क्लियर हुआ सबको, ठीक yes, है ma'am. है ना yes, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है। कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां पे उस पेज पे आपने आंसर किया था, यहाँ आंसर कीजिए, सारी चीजें खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म, 3n। 3n गिव अ टर्म फॉर द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन। वेरी गुड। व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, मैम 2n। 2n ठीक है, वेरी गुड। Mention the ploidy of zygote. 2n. 2n. अब एक क्वेश्चन थोड़ा सावधानी से सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, mention the या give a term for the true fusion of double fertilization. I'm syngamy. Double fertilization में दो fusion है. Yes. एक सिंगैमी है और मैम वही ट्रू फ्यूजन होता है ना, क्योंकि वन एक सेल के साथ वन। ट्रू फ्यूजन किसको कहते हैं, सिंगैमी को कहते हैं। किसको कहते हैं, जैसे होता ना कोई बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय वन गेट वन फ्री, आप खरीदने मार्केट से कुछ और गए, कुछ और आपको फ्री में मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, वाह हमें फ्री में मिल गया। एग्जैक्टली उसी तरीके से पर्पस क्या था, मेन एम यहाँ पे क्या है, जायगोट बनाना, मेट के साथ मेल गैमेट को फ्यूज करना है। हाँ, ट्रिपल फ्यूजन जो दूसरा मेल गैमेट बचा था जाके फ्यूज कर दिया। तो जब आपसे कोई पूछे कि ट्रू फ्यूजन का नाम बताइए, तब ट्रिपल फ्यूजन नहीं लिखेंगे, तब सिंगैमी लिखेंगे, ठीक है। मेंशन द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी, जायगोट। जायगोट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, to guard the entry of pollen grains. Very good, very good, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया है, ठीक है। थोड़ा फास्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बारीकी की जरूरत थी, तो मैंने उतने फाइन तरीके से आपको समझाया भी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। अब जब ये एंजियोस्पर्म आपकी किताब में स्टार्ट हो रहा था ना, तो स्टार्ट ही होने के पहले आपको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस बताया गया, ठीक है। नाइन्थ क्लास का ये टॉपिक है,
ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं आपको बोलूं तो आपको समझ ना आए, ठीक है। घर में लगे हुए अगर गमले हो, उसमें पौधे हो, उसको आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे इन इमेजेस की हेल्प से आपको समझाती, तुरंत क्विक समझ आएगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में एक कैटेगरी है मोनोकॉट और दूसरी कैटेगरी है डायकॉट, क्लियर है सबको, ठीक है। मोनोकॉट का मतलब है सिंगल कॉटिलेडन, जैसे आप चावल खाते हैं, ठीक है। तो चावल में, राइस में कभी आपने दो टुकड़े देखे हैं उसके खोलने के बाद उसको, नहीं, नो मैम, मोनोकॉट हो गया। सवाल ये उठता है कि अगर आपके घर के गमले में कोई पौधा लगा है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे आपने राइस के पत्ते देखे होंगे, गेहूं उगा के देखिए गमले में, हाँ जो वीट है ना गेहूं, बच्चे डायकॉट समझते हैं उसको, बीच में जो कटा हुआ का निशान नहीं होता, जबकि मोनोकॉट है, उसके पत्ते को देखिए, वो तो बहुत पैरेलल अच्छा वेनेशन होता है, यस, उसमें पैरेलल वेनेशन होगा, मोनोकॉट्स में हमेशा पैरेलल वेनेशन होगा, और डायकॉट्स में हमेशा ऐसा जो रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक होता है ना, हाँ रेटिकुलेट वेनेशन होगा, क्या होगा इसमें, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। आप गमले में से किसी मोनोकॉट को उखाड़िएगा ना, तो ऐसे ना ये झाड़ियों की तरह आपको रूट्स दिखेंगे इसमें, ठीक है। इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें टैप रूट सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, टैप रूट सिस्टम का क्या मतलब है, एक प्राइमरी रूट होगा, फिर उससे सेकेंडरी निकलेगा, फिर उससे टर्शरी निकलेगा, मतलब ब्रांच का ब्रांच का ब्रांच का ब्रांच, इसमें पता ही नहीं चल रहा आपको, झाड़ियों की तरह एक ही मेन एक्सिस से निकला हुआ, ठीक। और मोनोकॉट्स में जब आप दिखिएगा ना, तो आपको मोस्टली क्या दिखिएगा कि ट्राइमेरस फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है, मतलब तीन पेटल हो गए इस तरीके से, छोटे छोटे फूल हो गए, और इसमें क्या है कि आपको पेंटामेरस फ्लावर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पेंटामेरस मतलब फाइव पेटल्स वहां पे प्रेजेंट, मल्टीपल्स ऑफ फाइव, हाँ। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वैस्कुलर बंडल मतलब समझते हैं क्या होता है, वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम, हाँ। इस वैस्कुलर बंडल जो है ना, जाइलम फ्लोएम बिखरा हुआ है, दिख रहा है आपको, स्कैटर्ड है, कैसा है यहाँ पे, बिखरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बेचारे जो है ना, बहुत बढ़िया रिंग लाइक अरेंजमेंट बना के, इसको रेडियली अरेंज्ड बोला जाता है। तो डायकॉट्स के केस में क्या है, यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि हम कॉपी में कैसे लिखें, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स, ठीक है, फटाफट सुनते जाइए। मोनोकॉट्स सिंगल कॉटिलेडन, डायकॉट्स टू कॉटिलेडन, पॉइंट नंबर वन, डिफरेंस नंबर वन। डिफरेंस नंबर टू में क्या लिखेंगे, मोनोकॉट्स पोजेस पैरेलल वेनेशन, डायकॉट्स रेटिकुलेट, ठीक है। नंबर थ्री में लिखेंगे, द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट्स आर स्कैटर्ड व्हाइल द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डायकॉट्स आर रेडियली अरेंज्ड, हां। देन हम लिखेंगे मोनोकॉट्स पोजेस फाइब्रस रूट सिस्टम व्हाइल डायकॉट्स पोजेस टैप रूट सिस्टम, ठीक है। मोनोकॉट्स पोजेस जनरली ट्राइमेरस फ्लावर व्हाइल डायकॉट्स पोजेस, अब जैसे गुलाब का फूल है, क्या बोले बेचारे को, पेंटामेरस, मल्टीपल्स है उसमें, तो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं और पेंटामेरस भी हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट में एग्जाम्पल लिखा जाता है, मोनोकॉट्स में राइस है, वीट है, मेज है, जितनी घासें हैं दुनिया की, जितने ग्रासेस हैं, सबके सब मोनोकॉट है, ठीक है। डायकॉट्स में, डायकॉट्स में आपके घर में जितनी दालें हैं, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, सबके जो जिस पत्ते में आपने रेटिकुलेट वेनेशन देखा है, चाहे आपने आम का पेड़ देखा है, चाहे आपने पीपल का पेड़ देखा है, चाहे आपने गुलाब का पौधा, जो भी दुनिया में आपने देखा है, सबके सब डायकॉट है, जितनी दालें आप इस्तेमाल करते हैं सब डायकॉट है, क्लियर है सबको। लास्ट टॉपिक पे चलिए हम लोग, चलिए एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ी सावधानी बरतेंगे, तुरंत क्विक समझ आएगा आपको, चलिए आप भी कोऑपरेट कर रहे हैं साथ के साथ, तभी पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब देखिए एक लाइफ साइकिल है, ये मैंने एक बच्चे का एग्जाम था, तो एक बच्चे ने बोला था, तो मैंने समझाया था, हालांकि सारे बच्चे नहीं थे उस टाइम, तो मैं वापस बता देती हूँ इसको, देखिए कोशिश करती हूँ समझाने की क्या, तो आपको पूरा ये सिनेरियो ही क्लियर है, इसको आप जितना अच्छा इसने बनाया नहीं है उससे अच्छा आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपके पास क्या है ना, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है, क्या है आपके पास,
लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, आप ही के बुक का है, कहीं दूसरी जगह से नहीं लेके आई हूँ। चलिए फटाफट सुनते जाइए, आपका सब पढ़ा हुआ है, सब सीखा हुआ है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास से प्लांट किंगडम में सिखा रखा है। अगर कहीं कोई प्लांट बॉडी है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, कोई दिक्कत? नो मैम, क्लियर है सबको? ठीक है, एक लाइन जो है इसके फीमेल पार्ट का चल रहा है और दूसरा लाइन इसके मेल पार्ट का समझ चल रहा है, ये बात पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, आप इससे अच्छा बना सकते हैं, बच्चे इससे अच्छा बनाते हैं मेरे समझाने के बाद। कैसे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब आप बनाएंगे तो स्टिग्मा बनाएंगे, स्टाइल बनाएंगे, ओवरी बनाएंगे। ठीक है, इसी के अंदर एक जो मेगा स्पोरेंजियम है ओव्यूल को बोला जा रहा है, तो बच्चे यहाँ पे ओव्यूल बहुत अच्छा बनाते हैं। जो मैंने ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर आपको फ्यूनिकल वगैरह वाला सिखाया वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में बिल्कुल शॉर्टकट मार के लिखा जा रहा है। फिर यहाँ पे आप आगे गए तो 3 एंटीपोडल्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 1 एग और 2 सिनर्जिड, सब एक ही साथ बना दिया गया। ठीक है, मेल वाले पे आइए, एंथर है, फिलामेंट है, क्रिस्टल क्लियर है। इसके बीच में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा एक और डायग्राम बनाता है, पता है क्या? वहां पे बच्चे ना चार कंपार्टमेंट वाला, जल्दी जल्दी में चार कंपार्टमेंट वाला वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओव्यूल दिखा देते हैं। इसमें इसने गलती क्या करी है, सीधा एक माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया है। अब जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है वो बेचारा समझ नहीं सकता इसको देख के कि एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है क्या। यस और नो, समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ? फोर कंपार्टमेंट्स के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। यस, आप आराम से रफ में बना दीजिए फोर कंपार्टमेंट, कुछ नहीं जा रहा, कोई पैसा नहीं लगना, कोई टाइम नहीं लगना। ठीक है, तुरंत बनेगा। फिर आप उसमें से दिखाइए कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो पॉलन ग्रेन, ये देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें अभी अभी मैंने सिखाया, एक जेनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पता है पॉलन ट्यूब बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब जब एंटर हुआ तो अंदर देखिए 2 मेल गैमेट दिखाया जा रहा है, एक और 2, है ना? Yes, आपको अभी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रू फ्यूजन कौन सा है, तो आपने बोला था ना सिंगेमी। तो यहाँ देखिए एंडोस्पर्म वाले का जिक्र नहीं कर रहा है, ये सीधा जायगोट बना रहा है और जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो फिर प्लांट बनाएगा। अब क्रिस्टल क्लियर है सबको? इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आधा पार्ट जो है वो 2n चल रहा है और आधा पार्ट जो है वो n चल रहा है, जहां जहां पे गैमेट वाला पार्ट। यस, तो ये जो है ये मैंने आपको सिखाया, इससे अच्छा आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको रटा जाए, आप इससे बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप अपने मन से जितने स्टेप आपको आते हैं बीच में उसको आप इंक्लूड करके इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो सबसे लास्ट टॉपिक है आपका लाइफ स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान और ईजी सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग समझते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि आखिर जब लाइफ साइकिल को या लाइफ इवेंट्स को हम समझते हैं तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है। तो देखिए एक साथ तीनों, अगर मैं देखती हूँ कहीं पे अवेलेबल है, एक मिनट, कुछ सेकेंड्स लगेगा, आ जाएगा। देखिए किसी एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं, थोड़ा फास्ट में कराती हूँ आपको। देखिए अब मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ाया, सीखा आपने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे प्लांट्स में लाइफ साइकिल वैसा ही दिखता है क्या? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको एग्जाम में क्या करना है, एक सर्कल सर्कल बना के, और सर्कल बनाने के बाद अगर आप इसको सेंटर से थोड़ा सा पार्ट दिखाते हैं
तो आप अगर ऊपर वाले को 2n शो कर रहे हैं, और सबसे ब्रॉड इसको पाई चार्ट बोला जाता है, पता है ना आपको, जैसे कैसे इलेक्शन के टाइम में, अब मान लीजिए इसमें किसी पार्टी का नाम लिख दिया, जब अच्छा ये मेजोरिटी में है, 80% वोट इसको जा रहा है, कहते हैं ना आप ऐसे, ठीक है। तो जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज बहुत ज्यादा समय तक होता है और डिप्लॉयड फेज काफी कम समय तक होता है, उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। मतलब हैप्लॉयड वाला फेज ज्यादा है, डिप्लॉयड वाला फेज कम है। समझ आया सबको? समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? यस यस। तो ऐसा किसमें था, ऐसा किसमें देखा था आपने? ऐसा आपने एल्गी में देखा था। कहाँ देखा था आपने? एल्गी में। यस। अब इसके बाद देखिएगा, कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। इसका तुरंत क्विक उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का क्या मतलब है, डिप्लॉयड वाला जो फेज है यहाँ पे वो ज्यादा होगा, मतलब डोमिनेट करेगा, और हैप्लॉयड वाला फेज जो है ये बेचारा काफी कम है। अभी अभी जो आपने देखा, जो एंजियोस्पर्म का आपने देखा, यस, उसमें क्या था, डिप्लॉयड फेज जो था वो डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स आपको पता है कि सही में प्लांट कैटेगरी में बीच में आते हैं ये, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, आप इसको एग्जैक्ट 50-50 भी बना सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों लाइफ इवेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट लमसम इक्वल इक्वल होता है, तो उसको हम लोग हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहते हैं। लास्ट वाला क्या है, ये जो स्टेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम लोग हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहते हैं, मतलब हाफ हैप्लॉयड हाफ डिप्लॉयड। और कैसे आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, याद आया आपको, है ना? यस मैम। लेकिन अब यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि सिर्फ लास्ट वाले पार्ट से, मैं आपको समझा जरूर दे रही हूँ, आपको सिर्फ एग्जांपल्स नोट करना है सबका, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक क्या है, आपको मैंने 5 प्लांट कैटेगरी सिखाई है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ट्रिक सबसे पहला ये है कि दुनिया में जितने भी एल्गी हैं, ठीक है, तो वो सब के सब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, वॉलवॉक्स है, पाइरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनस है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं, कहानी में बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी बात है, ठीक। सबसे एडवांस उसके बीच वाले पे आते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बीच में आता है, तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आता था ना एल्गी के बाद, याद कीजिए। यस मैम। यस मैम। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हो जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कोई दिक्कत नहीं? नो मैम। लास्ट में आपने क्या देखा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में हो जाएगा डिप्लॉन्टिक, क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है और मार्वेलस क्वेश्चन है ये, एक एल्गा, एल्गी का जो सिंगुलर है वो एल्गा होता है, ठीक है, फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपको उम्दा एक पार्ट है, आपको अलग से एक्सेप्शन करके वहां पे लिख लेना, याद रहेगा सबको, ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट और है, छोटा भी नहीं, बहुत छोटा सा एक सेगमेंट और है, जहाँ पे आपको एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन जो है वो भरे हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दैट इज क्या मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है, पहले तो सिंपल सी बात है कि अगर एल्गी है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है तो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी, इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पता है किसके बारे में इशारा किया इसने, ब्रायोफाइट्स के बारे में, ये पढ़ा हुआ है आपको। Yes, all pteridophytes exhibit this pattern. आप already सीख चुके, नया क्या है इसमें, इस पैरा में कुछ नया नहीं है। आखिरी जो लाइन है ना यहाँ पे लिखा है सही में इंटरेस्टिंगली, और सही में इंटरेस्टिंग है ये, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polyciconia, kelps are haplodiplontic. और फ्यूकस जो है, जो अभी तुरंत आपने देखा था, वो diplontic है। ये मार्वेलस पॉइंट है, लास्ट का पार्ट जो है सिर्फ आपको याद रखना है। हम सारे एक्सेप्शन हैं। यस, ये सब एक्सेप्शंस हैं। सब के सब क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए यहाँ पे, एक्सेप्शन के सिवाय अगर हम हटाएं, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है, चलिए बोलते चलिए उधर से फटाफट। मैम हैप्लोइडिक है एल्गी। हाँ चलिए ठीक है, फटाफट हम लोग करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगी, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, अगर कॉमन सेंस के तौर पे बेसिक बात करी जाए तो हैप्लोइडिक शो करेगा आपका एल्गी। एल्गी यस, हैप्लोइडिक कौन शो करेगा, एल्गी। ठीक है, उसके बाद जब हम हैप्लो डिप्लोइडिक पे आएंगे, किस पे आएंगे, दोबारा लिख दिया इसको, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करेंगे ठीक है, डिप्लोइडिक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ये ना एक बच्चे के एग्जाम एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में था, जो मैंने बोला था कि मैं जब लाइफ साइकिल आपको समझाऊंगी तो मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगी, अगले दिन देख के बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, डिप्लोइडिक में जिम्नोस्पर्म्स स्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये तो जनरल सी बात हुई, अगर आपसे जनरली पूछा जाता है तब यही होगा। बस आपको क्या काम करना है कि जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है सिर्फ उसको आप कॉपी में याद से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में आराम से पूछ सकते हैं आप, कभी भी फ्री हैं पूछने के लिए, ऐसा नहीं कि चैप्टर ओवर तो आप डाउट नहीं पूछेंगे, पूछ लीजिएगा। जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो मैं 50 बार पूछती हूँ ना, पिछली क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लें पूछ लें पूछ लें, तो उस टाइम आप पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। ठीक है, हाँ जब पूरा चैप्टर जब ओवर हो गया है तो आपका भी एक होमवर्क बनता है, सबसे बड़ा होमवर्क आपका ये है कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, बच्चों को करने की आदत नहीं होती। मैंने हमेशा ये नोटिस करा है बच्चे से, क्या जरूरत है करने की, आप कभी ना एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को करके देखेंगे, आपको पता चलेगा पूरा चैप्टर लिखा रहा है आपसे, लिखते वक्त कुछ तो सीखिएगा ना, ऐसा तो नहीं कि आप अगर पूरा का पूरा टॉपिक कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ, कोशिश की है जिसको कहते हैं ना जी जान लगाना, मतलब उतनी मेहनत करी है मैंने आपको ये चैप्टर कराने में, वो भी इतनी जल्दी कराने में। ठीक है, नहीं तो अच्छा खासा 1-1.5 महीना ये चैप्टर चलता है, बट मैंने बहुत जल्दी आपको कराया है तो आपके सर पे भी प्रेशर है कि आपको इतना सारा टर्म खुद सीखना भी है, डायग्राम्स भी बनाने हैं, उसको क्रिस्टल क्लियर भी करना है, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो इससे। और जितने बच्चों के एग्जाम्स हुए थे, एक बार क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्लांट किंगडम के जितने जितने क्वेश्चन आपको आए हैं एक बार दोबारा से करके मुझे बताएंगे कि क्या आपसे अब वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, मेरी गारंटी है अब सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ही था कि थोड़ोली आराम से इत्मीनान से सिलेबस चलने दीजिए, और जैसे जैसे मेरा सिलेबस ओवर होगा एग्जाम का क्या, पूरी दुनिया का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में जो नीट वाला पार्ट है वो भी मैं आपको साथ के साथ कराती चल रही हूँ, और कोई डाउट किसी को आज की क्लास से, बहुत ज्यादा सीखा है आपने तो रिटर्न वर्क कीजिए, डायग्राम बनाइए, बैक क्वेश्चंस कीजिए, और अच्छा खासा गैप आपको पीरियड के बीच में मिलता है, ये मतलब नहीं कि बुक बंद करके नोटबुक बंद करके सो गए, वापस जब बायो का पीरियड होगा तब ओपन करेंगे, आपका उतना ज्यादा वर्क भी है, बहुत सारा काम बोल दिया मैंने आपको, सेल्फ नोट्स है आपका, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस है आपके, नीट के क्वेश्चंस है आपके, नीट के क्वेश्चंस भी होंगे इससे। ठीक है, ये सब करने के बाद वापस अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर से मेरे से पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लीव करूं मैं, थैंक यू मैम, चलिए थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, गुड नाइट।